माई देख करके मुझे ये याद आ रही थी उस गांव की, उसका नाम था खाल गांव। हमारे मित्र जब कह रहे थे खाल गांव में ये खाल गांव है, यहाँ सीधे भी लोग होंगे ना तो इमरती जैसा टेढ़ होते है। इमरती खाया आपने, मिठाई जलेबी जैसा होता है लेकिन वो और थोड़ा तो बोले इस गांव के सीधे लोग इतने टेढ़े होते, अब टेढ़े लोग कितने टेढ़े होंगे भगवान जाने। अचानक कल मेरे मन में ऐसा आया कि अच्छा हो या बुरा हो, जब तक आवाज है इस जीव में तब तक रोज रोज खा रहे हैं तो एक दिन खाने का अवसर मिले। आप सब लोगों ने बहुत प्रतीक्षा की इसके लिए, मैं भारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। भगवान ने ये शरीर दिया है और इन शरीर में बहुत सारी इंद्रियां दी है। इंद्रियां भगवान ने शरीर दिया है भगवान ने अपनी प्राप्ति कराने के लिए। भागवत में लिखा है कि ब्रह्मा जी शरीर पर शरीर बनाए जा रहे थे लेकिन वो बहुत खुश नहीं थे, लेकिन जब मनुष्य शरीर की सृष्टि किए तो ब्रह्मा जी इस शरीर को बनाकर बहुत प्रसन्न हो गए। सृष्टवा पुराणे विविधा निज आत्मशक्ति, आत्मशक्ति से प्रेरित होकर के आज मैंने ब्रह्मा जी ने सृष्टवा पुराणे विविधा बहुत सारा शरीर बनाया लेकिन इसको बनाकर प्रसन्न है। वृक्षांग क्या क्या बनाए, वृक्षों को बनाए, वृक्षांग शरीर से रेंगने वाले बनाए, दौड़ने वाले बनाए, पशु पक्षी बनाए, लेकिन जब मनुष्य शरीर बनाए तो बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए, यही एक ऐसा शरीर है एक ही केवल 83,99,999 शरीर ऐसा है जिससे भक्ति करने में वो इतनी सुविधा नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा शरीर है जिसके द्वारा जीवात्मा परमात्मा शरण को प्राप्त कर सकते। सृष्टि का लक्ष्य ब्रह्मा जी ने यही लिखा है, कर्म करे अपने कर्मों का फल भोगे लेकिन साथ में भजन करके भगवान को प्राप्त कर ले। लेकिन भजन के पीछे शरीर के पीछे ये शरीर में एक अविद्या बना दिया, पांच तत्व बैठे पूछ पांच तत्व का बनाया शरीर ये। ब्रह्मा जी पांच तत्व का शरीर बनाया तो भी ये चल नहीं रहता, और सब लोग ज्ञानी थे चूंकि ब्रह्मा जी के संतान थे, एक को बनाया तो पूरब चला गया, दूसरे को बनाया तो पश्चिम चला गया। बोले ये तो सब वैरागी बन रहे हैं सृष्टि में, इनको रागी कैसे बनाया जाए, शरीर में फंसेंगे नहीं तब तक सृष्टि होगी नहीं। इसलिए छठवा तत्व शरीर में क्या बनाया, अविद्या, अविद्या की सृष्टि की। अविद्या मतलब जो शरीर में ही फंसा रहे, भगवान की तरफ देखे ना,
ऐसे जीव को जो भगवान का अंश है, भगवान को खोजता है, वो भी भुला रहे शरीर में, उसको जो जो शक्ति भुलाया रहे उसको अविद्या कहते। और ये शरीर जो है अविद्या का क्या है, प्रसाद पाने के बल शरीर है अविद्या, एक अविद्या नहीं है। ऐसे अविद्या को पांच प्रकार के अविद्या बताए गए हैं। पहला अविद्या है कि शरीर में अस्मिता बोलते हैं, और दूसरा अविद्या है कि शरीर से संबंधित जितने भी लोग हैं वो मेरे हैं। पहला अविद्या क्या है, शरीर में मैं शरीर हूँ, और जब मैं बदल गया, जैसे कोई किसी टीचर को ये बदल गया कि मैं टीचर हूँ, तो आगे का जितना भी उसका काम है वो सब बदल जाएगा। इसलिए उसको याद रखना है कि मैं टीचर हूँ, समय से पढ़ाने जाना हमारा काम है। तो विद्या क्या करती है, वो भुला देती है, और मैं भूल गया तो मेरा भूल जाता है, मेरा क्या कर्तव्य है वो भूल गया, दूसरी विद्या। तीसरी विद्या क्या है, मेरे हैं तो इनसे प्रेम करो, इसको राग कहते हैं, और ये मेरे नहीं है इसलिए इनसे द्वेष करो, चौथी विद्या है। और पांचवी अविद्या है कि ये मेरे हैं इसलिए प्रेम करो, मेरे नहीं है तो द्वेष करो, तो इन सबको मिलाकर एक साथ गाढ़ा अज्ञान में डाल दे, उसको अभिनिवेश कर दे, जी उसी में फंस करके मरता रहता है। 24 घंटा यही अभिनिवेश होता है, मैं ये हूँ इसलिए ये है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा है और मैं इसका। एक तरफ से अविद्या हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से अविद्या है। पिता मानता है ये मेरा पुत्र है, ये तो अविद्या है एक तरफ से, और पुत्र भी मानने लगता है कि ये मेरे पिताजी है, तो अविद्या एक हाथ से ऐसे आप पकड़ेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे ना, लेकिन दोनों हाथ को ऐसे फंस गए तो छूटना बहुत जीव ऐसे ही फंसा है, दोनों तरफ की भावना में फंसा है। अब लाख प्रयास साधु लोग संत महात्मा कर लेंगे, बड़ी मुश्किल से छूटता है, दोनों तरफ से पकड़ बहुत मजबूत है, क्योंकि अविद्या के जाल में है, उसमें जो इंद्रियां हैं वो बहुत खाती है आत्मा का, लेकिन गाती है संसार का। आत्मा का जो विरोध करने वाला है उसके साथ रहती है। कभी भी ये भगवान की तरफ जीव चला जाए ऐसे प्रयास करती नहीं है, इसका भी दोष नहीं है, क्योंकि विद्या के कारण ये भी मस्त है। इसलिए प्रसाद के पहले हम सब लोग याद करते हैं इसको, और इस विशेष संसार में जीव को फेंक दिया गया है, हालांकि है दुख, लेकिन दुखे च सुख मानिना, भगवान ने दुख बनाकर भेजा कि चलो दुख में जाएगा तो मेरी याद करेगा, लेकिन हाय रे दुर्भाग्य जीव, भगवान ने दुख बनाया कि चला आएगा मेरे पास, उस दुख में ही सुख बुद्धि कर लेता है, अब क्या किया जाए। इंद्रियां हैं भगवान की सेवा के लिए मिली है, उनको संसार में लाता है अविद्या,
और ऐसे विद्या के कारण ज्ञान के कारण हम भगवान की सेवा से अलग हो जाते हैं। उसी अज्ञान को समाप्त करने के लिए गुरुजन आते हैं। ओम अज्ञान ज्ञान और जब नेत्र में ज्ञान के अंजन की शलाका डालते हैं तब दिखाई पड़ने लगता है ये तो यहाँ पर। एक एक इंद्रिया नहीं है, विरोध में पांच पांच इंद्रिया, एक ही इंद्रिय पर्याप्त है संसार में मारने के लिए, लेकिन पांच लगी है और पांचों में तालमेल नहीं है। एक दूसरे के विरोधी है। प्रहलाद महाराज विष्णु भगवान की प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि प्रभु हमारी तो वही स्थिति हो गई है जो स्थिति बहुवह शपथ में पति मिलन की। जैसे एक व्यक्ति की पांच स्त्रियां हो, पत्नी, बेचारा परेशान होकर के ऑफिस से घर आया और पांचों हाथ पकड़ करके, कोई कालर पकड़ करके, कोई कुछ पकड़ करके अपने अपने घर में ले जाना चाहिए। और जो दशा इस जीव की उस समय होगी वही दशा हमारी इस समय हो रही है। बहुवा शपथ मिली हो, ये बहुत सी और स्त्रियों में आपस में कोई मेल भी नहीं है कि चलो आज इसके घर में गए तो कोई बात नहीं, सब लोग खींचती रहती है कि मेरे घर में है ना। अब क्या हालत होगी उसकी, कोई एक पैर पकड़े या कोई दूसरा पैर पकड़े, कैसे जहाँ कहीं और खींचती रहती है। नाक सुगंध के लिए, जीवा रस प्राप्त करने के लिए सब लोग खींचते हैं। अब बेचारा अकेला जो जीव है इसमें बहुत कष्ट में पड़ा है, लेकिन कर ही क्या। इन सब लोगों को निरस्त करने के लिए जो आचार्य है और ग्रंथ है उसके अलावा और कोई रास्ता नास्तिक गति रंगे था। हम लोग निरंतर इंद्रियों के चक्र में फंसे हैं और इंद्रियां बहुत बलवान है, हालांकि इनका बहुत सारा वो नहीं है। इंद्रियां हैं और उसके बाद घोड़े हैं, तो बीच में रस्सी होता है, मन रस्सी का काम करता है और पीछे उन सबको ड्राइव करने वाला बुद्धि है, डायरेक्शन लेने वाला। लेकिन ये इंद्रियां इतनी मजबूत हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसुरम्भणि, इंद्रियां ऐसी प्रमथन है जो आत्मा को मत देती है कि मन को और मन जो है बुद्धि को और इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। प्रभुपाद परमार्थ में लिखे कभी कभी वश में कर लेता है, राधा गोविंद महाराज कहते हैं मन बुद्धि के वश में रहना चाहिए, लेकिन मन ऐसा तगड़ा है तो बुद्धि को ही अपने वश में रखता है, जो मन कहता है वही करना है। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम। खाते हैं जीव का, क्योंकि जीवात्मा जब तक शरीर में है तभी तक ये रहते हैं, जैसे ही छोड़ के जाए वैसे ही मन बुद्धि सब शरीर छोड़ के चले जाते हैं। खाते हैं आत्मा का और गाते हैं माया का, कभी नहीं सोचते हैं कि जो ऐसा काम किया जाए कि भगवान हमारा जो जिसके कारण खा पी रहे हैं भगवान को प्राप्त करें। इसलिए इनको श्रौत कहा गया,
एक दूसरे का उपकार करना ही नहीं जानते, अपने अपने चक्कर में स्वार्थ में सब आत्मा को भूल करके उसमें भी जो इंद्रियां हैं बहुत बलवान है, कभी भी इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कितनी बलवान है, कितने बड़े बड़े लोगों को, मुनियों को, श्रेष्ठ जनों को, वेद शास्त्र उपनिषद महापुराण पुराण जितने भी हैं सब उनको ज्ञान है, ऐसे लोगों को भी इंद्रियां खींच कर गड्ढे में ले लेती है। भागवत में एक श्लोक है, मात्रा स्पर्श मात्रा स्वसरा दुहित्रा च, मात्रा मात्रा माँ माँ स्वसरा स्वसरा बहन बहन दुहित्रा दुहित्रा पुत्री पुत्री ना विविधता आसन विविधतासन अलग आसन अलग आसन भवेत भवेत होता है होता है बलवान बलवान इंद्रियग्राम इंद्रियों का जो समूह है इंद्रियों का जो समूह है ग्राम मन समूह होता है संस्कृत विद्वांसम विद्वांसम विद्वानों को भी विद्वानों को भी कर सके कर सके अपनी तरफ खींच लेता है अपनी तरफ खींच लेता है। ये श्लोक किसने बनाया? भागवत में भगवान वेदव्यास देव ने बनाया। उस समय सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी बनकर के घूम रहे थे और रखा था व्यास जी ने बना करके कि जब सुखदेव आएगा तो उसको पढ़ाएंगे। कल मैं याद नहीं है, अच्छा हमारे छोटे लाल जी ने बोल रहे थे कि प्रभु जी निताई प्रभु पर अब थोड़ा ध्यान दिए होते ना तो ये बहुत अच्छा इन्होंने सीख लिया उन्होंने सीख लिया इस प्रकार आपने ध्यान नहीं दिया। सत्य है क्योंकि भक्तों में भगवान का ही भरोसा होता है, इतना सीख लिया तो सब ज्ञान हो गया। भगवान का ही आश्रय रखना है, उन्हीं का भरोसा है, उन्हीं का विश्वास है। जिसको एक पॉइंट की ओर पकड़ लिया तो सब ज्ञान हो गया सार। इस श्लोक का अर्थ क्या है कि व्यास देव सुखदेव गोस्वामी को छोड़कर सुखदेव गोस्वामी इनको छोड़कर के चले गए और ये हा पुत्र करते हुए जा रहे हैं। पुत्रे तन्मय तया तरुग्ने दू लेकिन नहीं लौटे तो अपने एक दो शिष्यों को उन्होंने एक दो श्लोक पढ़ा के भेजा। पढ़ते पढ़ते उनके सांख्य योग के जिनको सांख्य योग कहते हैं तृतीय स्कंद में भगवान कपिल देव माता देवहूति को बता रहे उसके आचार्य बन गए। व्यास जी ने बना दिया सांख्य योग में दो योग होता है, एक तो संख्या और दूसरा हठ योग जिसको अष्टांग योग कहते हैं। तो उन्होंने हम लोग जो अभी श्लोक बोले श्लोक को पढ़ा जैन जैमिनी जी को ये श्लोक अच्छा नहीं लगा और अपने गुरु पर विश्वास उठ गया। गुरु जी कह रहे हैं कि विद्वान को भी खींच लीजिए
भला जो ज्ञानी है, ज्ञान एक सूर्य के समान है, प्रकाश के समान है। मूर्ख लोग ज्ञानी लोग फंस जाए ये आश्चर्य नहीं है, लेकिन हम तो ज्ञानी हैं। इतना बड़ा शास्त्र का ज्ञान है, वेद के एक विभाग का ज्ञान है, तो हमको तो माया क्या बिगाड़ सकते हैं, ये इंद्रिय हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। मन ही मन वो अपने गुरु जी में दोष दृष्टि कर दी। इतने बड़े महात्मा ब्रह्मचारी हैं, लंबे समय से शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं, साक्षात वेदव्यास जी के शिष्य हैं, उनको भ्रम हो गया अपने गुरु जी पर। व्यक्ति के अंदर जब अहंकार आता है ना, वो साधु गुरु का अपमान करने लगता है, यही लक्षण है। और अहंकार न आए ना तो वो सेवा करने लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कथा सुनाने वाला मंत्र है और महामंत्र जगाने वाला मंत्र जीव विद्या का। जगाती है ना, क्या हुआ मन में आशंका आई कि गुरु जी ने क्या लिख दिया, इतने बड़े ज्ञानी हैं और ज्ञानियों के पास माया कैसे आ सकती है, ये तो आ नहीं सकती, क्या हो गया। ठीक है ना, एक छुएंगे बोल गड़बड़ हो जाएगा। हमने बहुत जगह देखा है जो ठीक बोल रहा है, छूते ही खराब हो जाते हैं और जाकर बैठ जाते। महाराज के साथ भी ऐसा बहुत केस हुआ, बोले इंजीनियर तुम बनाने के लिए आए थे कि बिगाड़ कर बैठे। जितना बोल रहा है उतना बोलने में ही इसको। तो वेद व्यास जी तो भगवान है साक्षात, और ये जो अवतार है भगवान वेद व्यास का, इतना सुंदर अवतार और कोई हुआ न होगा। नहीं, इवन चैतन्य महाप्रभु भी आए 48 वर्ष रहे, लेकिन जो वेद व्यास ने लिखा है वो उन्हीं के गीतों का, उन्हीं के रचना का आस्वादन किए हुए। जितने भी आज लोग कहते हैं व्यास गद्दी पर बैठकर जो प्रवचन कर रहे हैं बड़े बड़े, सब व्यास व्यास के उच्छिष्ट खाते हैं। व्यास ने जो दिया है, लिख दिया है, उसी को लोग कहते हैं। तो व्यास ने क्या लिखा, इंद्रिया बहुत बलवान है, तार मध्य उनमें भी जो जीव है ना और बलवान है। तो लिखा उन्होंने बलवान इंद्रिय ग्रह, इंद्रिया बहुत बलवान है, विद्वान सम अभिदर्श, बड़े बड़े विद्वानों को भी खींच लेती है अपने तरफ। तो ये मानसिक शंका शिष्य में आ गए, और गुरु तो ऐसे ही साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्रों में और सब भी विद्वान एक स्वर से कहते हैं कि गुरु में हरि, भगवान हरि की शक्ति आ जाती है, हरि तो को प्राप्त हो जाता है। हरि नहीं हो जाता है, ध्यान रखने के लिए गुरु गुरु ही रहता है, लेकिन साक्षात हरित्वेन का कहता है जो हरि में गुण है वो सब गुरु गुरु में आ जाते हैं। इस बात को शास्त्र भी कहते हैं और संत भी कहते हैं, और दो ही प्रमाण है, साधु शास्त्र और गुरु, तीनों जब एक बात को कहे तो समझना चाहिए कि ये बात ठीक है। व्यास भी समझ गए अपने चेला जैमिनी के मनोभाव को, जिसको अहंकार हो गया है
और मेरे प्रति दोष दृष्टि हो गई है, तो जो गुरु के प्रति दोष दृष्टि करे उसका भला तो कभी हो नहीं सकता। मुझे उसके दुर्भाग्य का दिन आ गया जो गुरु में दुर्भावना करता है। गुरु सुन धर्मति विश्व अर्चे शिला दही, भगवान विश्व में पत्थर बुद्धि करे, गुरु में साधारण मनुष्य बुद्धि करे, हनुमान जी में साधारण मानव बुद्धि करे, तुलसी जी को साधारण पौधा समझे, तो अगले जन्म में जाएगा कि नहीं, लेकिन इसी जन्म में उसका नरक हो जाएगा। इतना बड़ा पाप होता है। तो इस प्रकार का अज्ञान और अज्ञान जो होता है वो अभिमान का जन्म देता है। अभिमान का जन्म दाता अज्ञान है। व्यास जी समझ गए भगवान है, त्रिकाल दर्शनी सब परावर अज्ञ ऋषि समझ गए कि जैमिनी के हृदय में मेरे प्रति कुछ दोष दृष्टि हो गई, तो कुछ कहे नहीं, केवल इतना ही मन में सोचते रहे जैमिनी जी की हमारे गुरु जी इतने विद्वान है, महान है, फिर भी इनको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि ज्ञानी को इंद्रियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो समझदार है। और लिख दिए कि विद्वानों को मोहित कर लेती है। एक आचार्य तो ठीक है लिखते हैं, कहते हैं विद्वान लोगों को ज्यादा मोहित करती है इंद्रियां, क्योंकि विद्वान लोग विरोध करते हैं इंद्रियों का, तो जो विरोध करे उस पर ज्यादा वार करते हैं। साधारण घर गृहस्थी में उस पर इंद्रिया इतना क्रोध में नहीं रहती है, लेकिन ये कपड़ा पहन करके लाल पहन करके जो माया का विरोध करते हैं ना, तो उस पर माया का विशेष ध्यान रहता है। ये मेरा दुश्मन है कपड़ा पहन करके, और मेरी निंदा करता है, मेरा अपमान करता है, तो वो अपने दुश्मन को परास्त करने के लिए हर समय तक तैयार रहते हैं। इस प्रकार का ज्ञान जब आया जैमिनी जी में, तो गुरु जी व्यास जी समझ गए, कुछ कहा नहीं, तो गुरुजन बहुत कहते नहीं है, करके दिखा देते हैं। बोले एक एक बैल के एक विभाग का सबसे ज्यादा अध्यक्ष बना दिया इसको जैमिनी को, और इसको इसकी उद्देश्य होगी गुरु के लेखनी दृष्टि हो गया, तो इसको समझाना चाहिए। तो जैमिनी जी जिस आश्रम में भजन करते थे जंगल में था, बिल्कुल एकांत जंगल, घना जंगल था, वहीं रहकर जब वो ध्यान पूजा साधना करते थे। एक दिन की बात है, बहुत जोरों से बरसात हो रही थी, तो जैमिनी जी की एक कुटिया थी, वहां पर रात्रि के 12 बज रहे थे, और कुटिया के आसपास कुछ मतलब मनुष्यों की आवाज आई। अंत में वो आवाज दरवाजे तक आ गई थी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, वैष्णव दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। जैमिनी जी ने कहा नहीं नहीं तुम स्त्री हो, रात में रात की बात है, तुम्हारे लिए मेरे आश्रम में कोई प्रवेश नहीं है। बोले महाराज ज्ञानियों के लिए क्या स्त्री और क्या पुरुष, फिर ज्ञान किस काम का, हम तो आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, आप भी आत्मा हैं, और आप थोड़ा बड़े आत्मा हैं इसलिए महात्मा हैं। इतना जोरदार मूसलाधार पानी बरस रहा है,
इसमें मुझे 2 घंटे बिताने के लिए, क्योंकि मैं अपना रास्ता भूल गई हूँ अपने घर पर, आप ऐसी कृपा कीजिए और दया तो होनी चाहिए विष्णु में। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, तो कुछ कृपा कीजिए। जमनी जी, मैंने अपना किवाड़ खोला, किवाड़ में किसी का दरवाजा था, जंगल में कोई फाइबर और ये सब नहीं था, लकड़ी का ही दरवाजा था। देखा आपने जंगल में कुछ लकड़ी को चुन करके और लंबाई से बांध करके और ऐसे कर देते हैं वो दरवाजे में, खोलना हुआ तो उठा करके किनारे किया तो खुल गया। तो ऐसा ही दरवाजा था। बोले महाराज आप हम पर दया कीजिए, और मैं स्त्री हूँ इसका फिर नहीं है कि मैं बहुत बड़ी अयोग्य हूँ, पापी हूँ, मैं केवल थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ। तो जैमिनी जी ने अपने ज्ञान का आश्रय लिया और ज्ञान में उन्होंने कहा ठीक है तुम इसमें रहो, मैं जाता हूँ बाहर, तुम बाहर तुम भीतर रहो जाओ और मैं बाहर चल जाता। जैमिनी जी उस घास फूस के आश्रम से बाहर चले गए और लड़की भीतर आ गई। धीरे धीरे उस लड़की का जो चित्र था, उसकी वाणी थी, उसके हाव भाव थे, जैमिनी जी ने एक बार जो देख लिया था मतलब आँख से, आँख हृदय को पहुँचाती है। आँख के कारण बहुत सब लोगों का पतन हुआ, उसमें बहुत बड़ा पाप निकला अजामिल। केवल एक बार गलत दृश्य देखा तो इतना बड़ा पाप हो गया। चैतन्य महाप्रभु जी से बहुत सतर्क रहते, इसलिए आंखों को संभालना चाहिए। लेकिन जैमिनी जी बाहर तो निकल गए, उनका शरीर बाहर निकल गया, लेकिन मन उस लड़की के सौंदर्य पर, क्योंकि पानी बरसता था, पतला कपड़ा पहने थी, जगह जगह उसके कपड़े सट गए थे शरीर में, और बहुत सुंदर सुडोल शरीर था। ये सभी बातें जैमिनी जी बाहर लेके आ गए और वो भीतर चले गए, और ज्ञान के कारण उन्होंने इतना तक कर दिया कि मैं भी खोलने के लिए कहूँ तो मत खोलना, ज्ञान की बात है ना, आश्रम मेरा है, मैं भी खोलने के लिए कहूँ, उसने खोलना क्या था, कोई ताला आला तो लगा नहीं था। लेकिन जो हृदय से अपने मन में जो लेकर जैमिनी जी निकले थे, वो चिंतन का विषय हो गया। रात्रि के 12 बजे हैं, इतना सुंदर लड़की है, अकेले है, सब बातें सोचते सोचते आप समझते ना स्थिति, जैमिनी जी से रहा नहीं गया, अपने मन को वश में नहीं कर पाए और आवाज थोड़ा नोक करने लगे। जैमिनी जी के आ गया थे कि खोलना नहीं है। बोले महाराज आप कोई भी हो, आश्रम धारी हो चाहे जो भी हो, लेकिन गुरु महाराज ने कहा है कि खोलना नहीं है, हम इसे नहीं खोलेंगे। लेकिन इनका जो मन है वो उबाल ले रहा था कि किसी तरह से उस लड़की से मिलना चाहिए, मिलने का प्रयास करने लगे। वो उसने भीतर से बंद कर दिया जो गेट था। तो जैमिनी जी
किसी तरह से लकड़ी या पत्थर के सहारे चढ़ गए छत पर ऊपर, और कुटिया जिससे बना था उसमें एक लकड़ी होता है मोटा लकड़ी जिसको बोलते हैं, उसी के सहारे पर वो सब लकड़ी और घास फूस टिके रहे। हम लोगों ने भी देखा है गांव में, हमारे गांव में जो प्रथम भजन प्रारंभ किया गया उसी तरह का झोपड़ी था, और जर्मनी जी ने तो कम से कम घास फूस भी डाल दिया था, हमारे यहाँ आजू बाजू में घास फूस भी नहीं डाला था, केवल ऊपर डाला था। देखिए मन कितना बलवान है, चले गए ऊपर धीरे धीरे घास फूस हटा कर, जब देखने लगे तो रात अंधेरा था इसलिए दिखाई नहीं पड़ा, क्या किए पत्ती और घास को हटा करके, और जो मोटा लकड़ी था हमारे यहाँ उसको धरण बोलते हैं, धरण माने जो पूरे घर को पकड़ के रखा है, दीवार को भी पकड़ता है ऊपर के छज्जे को भी पकड़ लेता है, गिरने नहीं देता है, उसी को पकड़ करके और ठीक सामने नीचे कूद गए जेमिनी जी। और जैसे ही कूदते हैं क्या देखते हैं कि हमारे परम गुरु भगवान वेदव्यास जी ध्यानस्थ बैठे, ध्यान में बैठे हैं, तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया, तुम जो अपने ज्ञान पर भरोसा कर रहे थे वो ज्ञान ने तुम्हारी रक्षा नहीं की, जीव को गिराने के लिए मन तो लगा ही है, मन के सहयोगी जो इंद्रिय है वो सब मिलकर के जीव को गिराना चाहता है, पति का आदमी करना है, लेकिन ऐसी स्थिति में जो वैष्णव हैं गुरु हैं प्रयास करते हैं ये जीव भगवान के साथ रहे, भगवान का प्रसाद खाए, भक्तों का संग करे, और मेरी माया को पार कर ले, इधर माया में इधर वैष्णव में दोनों में कंपटीशन होता है। वैष्णव इस कंपटीशन में होता है कि कितने जीवों को भगवान के पास भेज दे, और माया इतना माया का कंपटीशन होता है कि कितना लोगों को भगवान से अलग कर दे। आप कहेंगे भगवान कहते हैं मेरी माया है तो इतना खतरनाक काम कौन करती है, भगवान ने उसको वही सेवा दिया है। जनान भागवत में आया, जनान मतलब जन्म मृत्यु में जो पड़े हैं, मद विमुखान गुरु हे माया संसार में जो फंस गए हैं उनको मुझसे हमेशा अलग ही रखना, मेरे सामने मत आने देना नहीं तो फिर वो वैकुंठ में चले हैं। तो माया भी भगवान का काम कर रही है, पर जब वैष्णव लोग उसे भगवान ने कह दिया मेरे गीता का प्रचार करो, भूले हुए जीवों को मेरे शरण में भेजो, तो वैष्णव अपना काम करते हैं और माया अपना काम करते हैं, दोनों अपने अपने काम में लगे हैं, कौन कितना लगन से लगा है और किसको कितनी सफलता मिलती है, भगवान कहते हैं अहम कार्य तुम करो सफलता मैं दे दूंगा। इसीलिए अपने इंद्रियों पर अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए कृष्णदास जी तो कहते हैं कि उस सभी इंद्रियों में जो जीभ है वो और खतरनाक है, तार मध्य मनोगमय सुधीर मध्य ताके जीता कठिन संसार, क्योंकि जो जीभ पर विजय प्राप्त कर लिया समझ जाइए वो सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। जीते सर्वे जीते रसे भागवत में है, रसना को जीत लिया उसने सब जीत लिया, और जीभ जिसके बस में अभी तक नहीं है वो तो कहीं भी गिर सकता है, तार मध्य जीवा के लोग
ताकि जीता उसको जीतने के लिए, उसमें विजय प्राप्त करने के लिए बड़ा कठिन है संसार में, लेकिन कृष्ण बड़ा दयालु है, भगवान परम दयालु है। जानते हैं कि ये कलयुग के जीव उपवास करके भजन नहीं करेंगे, इसलिए कहते हैं खाओ तो मेरा प्रसाद खाओ, भोग लगा के खाओ। कृष्ण बड़ा दयालु, जी विदेश में गए तो अपने हाथ से रसगुल्ला और क्या क्या बनाकर खिलाते थे, वो लोग क्या जानते थे रसगुल्ला और चॉकलेट्स और क्या होता है मुंह में चिंगम, ये सब उनकी मिठाई थी, ये बर्फी है, ये रसगुल्ला है, ये गुलाब जामुन है, ये सब ज्ञान नहीं था। प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया, स्वयं बनाकर दे बढ़िया बढ़िया भोग, इंडियन स्वीट्स प्रसाद बनाकर प्रभुपाद जी ने खिलाया और भगवद गीता का प्रचार किया। ये दोनों डायरेक्ट इंजेक्शन है, रोगी को भी यदि कोई रोग हो जाता है ना तो टेबलेट होता है, टेबलेट से काम चल जाए तो कैप्सूल नहीं देते, तब तो टेबलेट से काम नहीं चला तो कैप्सूल दिया गया, और कैप्सूल से भी काम जब नहीं चलता तो क्या करते हैं इंजेक्शन देते हैं। ये जो महाप्रसाद है भगवत गीता, ये इंजेक्शन है डायरेक्ट। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। धन्यवाद आप सब लोगों को। जैमिनी जी का मोह भंग हुआ और उन्होंने कहा गुरुदेव हमने जो ज्ञान का आश्रय ले रखा था ये पर्याप्त नहीं है, इंद्रियां बड़े बड़े ज्ञानी यों के मन को भी कर लेते हैं। सुदर्शन कहते हैं ज्ञानियों के मन को ज्यादा हरते हैं, क्योंकि वो अभिमान में रहते हैं ना कि मेरे पास ज्ञान है क्या करेगा, ज्ञानियों को के मन को ही हरते हैं, अज्ञानी तो राम राम कह दीजिए वो करता रहेगा, लेकिन जो ज्ञानी है वो तो अपने खोपड़ी में बहुत सारी बातें रखता है इसलिए भ्रमित हो जाता है। हम लोगों को गुरु महाराज महामंत्र प्रसाद के आश्रय में रहकर भगवान की भक्ति करनी है। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। बहुत हिम्मत करके बैठने का प्रयास किया था, जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा महाराज ने गौर निजाई महावतान्य है उनका आश्रय लेकर मैं बैठने का प्रयास कर आप लोग महान इस तरह से मेरी प्रोग्राम लागू सुन रहे हैं, सबको धन्यवाद भगवान के पार रखें। श्री भगवान की जय, भगवद गीता की जय, भगवत वाणी भगवत गीता की जय। गौरी।